नमस्कार दोस्तों, मैं मूलेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑल एग्जाम पर। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए बहुत अच्छी खबर लेकर के आ चुका हूं। एसएससी ने अपना एग्जामिनेशन कैलेंडर 2020 जारी कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आप सभी में से बहुत सारे स्टूडेंट्स एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, जूनियर इंजीनियर और अन्य प्रकार की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और फ्रेंड्स सारे डिटेल इस वीडियो में पाने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आप सभी देख पा लेंगे एस स्टाफ सिलेक्शन कमिश्नर टेंटिव कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड 1/10/2020 टू 31/8/2021, यानी 31/8/2021 तक का ये शेड्यूल आपको एसएससी ने जारी किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे इन सभी एग्जाम की डेट आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो कि आपके 12 अक्टूबर से होने वाले हैं सीएचएसएल के जो एग्जाम 10+2 वाले जो हैं। फ्रेंड्स, तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सभी को यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ, केवल मैं एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी की एग्जाम डेट जो है वो नई जो पोस्ट आने वाली है उन सभी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे 13 नंबर यहाँ पर देखेंगे आप जूनियर इंजीनियर पेपर फर्स्ट की बात करें तो फ्रेंड्स आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो 1/10/2020 को जारी कर दिया जाएगा, यानी कि 1 अक्टूबर को आपका यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट जारी कर देगा एसएससी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट का। और 30/10/2020 को यहाँ पर क्लोजिंग डेट होगी, यानी कि आपके 1 अक्टूबर से जो है आपके वो फॉर्म शायद स्टार्ट हो जाएंगे भरने और 30 अक्टूबर तक यहाँ पर आपके फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। एग्जाम की डेट की बात करें तो फ्रेंड्स 22 मार्च 2021 से आपका एग्जाम होगा 25 मार्च 2021 तक। तो ये आपको यहाँ पर सारा शेड्यूल दिया गया है, एसएससी ने अपना शेड्यूल जारी कर दिया है कैलेंडर के माध्यम से। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा, ये आप सभी का जो ट्विटर कैंपेन चला था उसी से यहाँ पर सब कुछ आप सभी को देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब बात करेंगे यहाँ पर 15 नंबर की स्टेनोग्राफर की, तो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी के जो एग्जामिनेशन की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर 10 अक्टूबर को इसका क्या आएगा आपका एडवर्टाइजमेंट जारी करेगा एसएससी और 4 नवंबर को आपका जो इसकी क्लोजिंग डेट फॉर्म की जो क्लोजिंग डेट हो जाएगी आपकी 4 नवंबर की। तो फ्रेंड्स यानी कि नवंबर के से पहले ही आपके फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे। और फ्रेंड्स इसका जो एग्जाम होगा वो आपका 29 मार्च 2021 से आपका 31 मार्च 2021 तक इसका एग्जाम किया जाएगा। तो फ्रेंड्स सारा डिटेल यहाँ पर एसएससी ने इस बार जारी किया है, तो आप सभी देख पाएंगे। स्टेनोग्राफर की बात होगी आपकी, अब आपके यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स 16 नंबर देखेंगे कम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल जो आपका सीएचएसएल जो होता है, तो 2020 की जो पोस्ट आने वाली है तो फ्रेंड्स वो आपके यहाँ पर आप सभी देख पाएंगे 6/11/6 नवंबर 2020 को आपका एडवर्टाइजमेंट जारी किया जाएगा और फॉर्म की जो क्लोजिंग डेट होगी आपकी फॉर्म लास्ट अप्लाई जो डेट होती है फ्रेंड्स वो 15/12/2020, यानी कि 15 दिसंबर 2020 से पहले आपके फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे और लास्ट डेट जो होगी फॉर्म की वो 15/12/2020 होगी। और एग्जामिनेशन की बात करें तो फ्रेंड्स आपका जो एग्जाम होगा वो 12 अप्रैल 2021 से लेकर 27 अप्रैल 2021 तक आपका एग्जाम कराया जाएगा। और फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे नेक्स्ट यहाँ पर आपका सी जी एल की बात करें यहाँ पर CGL की 2020 की, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे भी देख पा रहे होंगे 21/12/2020 को जो आपका 21/12/2020 यानी कि 21 दिसंबर 2020 को एडवर्टाइजमेंट जारी किया जाएगा एसएससी की तरफ से और फॉर्म की जो क्लोजिंग डेट होगी वो 25 जनवरी 2021 हो जाएगी यहाँ पर। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो 29 मई 2021 से लेकर 7 जून 2021 तक आपका एग्जाम कराया जाएगा CGL का। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी खबर यहाँ पर आप सभी के लिए, तो वीडियो को सभी साथ यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे CPO यानी सब इंस्पेक्टर की बात करें तो फ्रेंड्स आप सबका एग्जाम है ये आपका 12/7/2021 को होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी का यहाँ पर ये पेपर आपका सेकेंड है तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर जो सारी इंपॉर्टेंट जो नोटिस है, सारा इंपॉर्टेंट जो खेल आप सभी के लिए, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स काफ़ी दिनों से एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी का इंतजार कर रहे थे, तो 19 और 20 जो पोस्ट है यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे 19 नंबर की और 20 नंबर की, तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे उन सभी के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी
इन्फॉर्मेशन पेपर फर्स्ट जो होगा एसएससी एमटीएस का, वो आपका एडवर्टाइजमेंट जारी करेगा 2 फरवरी 2021 को, यानी कि 20 की जो पोस्ट है वो आपको कोविड-19 की वजह से आपके 21 में पहुंच जाएंगी फ्रेंड्स। तो 2 फरवरी 2021 को एडवर्टाइजमेंट आएगा और 18 मार्च 2021 के आपके एग्ज़ाम की अप्लाई फॉर्म लास्ट डेट होगी, यानी कि आपके मार्च से पहले ही, यानी कि 1 मार्च के आसपास या उससे फरवरी के आसपास ही आपके फॉर्म आ जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे तो, और आपके 18 मार्च 2021 तक अप्लाई किए जाएंगे। एग्ज़ाम की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका एग्ज़ाम जो होगा वो 1 जुलाई से होगा 20 जुलाई तक, एसएससी एमटीएस की बात कर रहे हैं। अब एसएससी जीडी की बात करेंगे, सबसे लास्ट वाली जो वैकेंसी है एसएससी जीडी की, इसका जो फ्रेंड्स आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे एडवर्टाइजमेंट 25 मार्च 2021 को जारी होगा और फ्रेंड्स आपका 10 मई 2020 को जो आपका इसकी फॉर्म की जो क्लोजिंग डेट होगी, यानी कि फॉर्म अप्लाई की जो लास्ट डेट होती है वो आपके 10/5/21 की लास्ट डेट हो जाएगी इसकी। और फ्रेंड्स आपको जो एग्ज़ाम होगा वो आपका 2/8/2021 को होगा और 2021 से 25/8/2021 तक होगा। तो फ्रेंड्स ये सारी डिटेल आप सभी को बतानी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि आप अभी से ही अपनी प्रिपरेशन में लग जाएंगे और फ्रेंड्स आप सभी के पास यहाँ पर 10 से 8 से 10 महीने या जो भी इस जीडी एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं एसएससी एमटीएस की, तो उन सभी को यहाँ पर अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। फ्रेंड्स ये नोटिफिकेशन आज ही एसएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया है, तो फ्रेंड्स आप सभी से उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी साथी, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।